जैसा कि आप जानते हो कि राम मंदिर निर्माण के लिए कुछ महीनों से डोर टू डोर डोनेशन कलेक्शन हो रही है, पर सभी के पास वो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उनको भी अपने सहयोग करने के लिए आज हम आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन भी डोनेशन कैसे कर सकते हो। सबसे पहले अपने फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र खोलना है, यहाँ पे सर्च करना है sRJBTKSHETRA.org। इसको सर्च करने के बाद हम मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे और उसमें आपको यहाँ पे तीन डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ पे मार्क भी कर दूंगा उसे। उसके बाद तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद डोनेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको तीन पोर्टल मिलेंगे बैंक के, यहाँ पे उनका अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब कुछ दिखेगा और QR कोड भी दिखेगा साथ में। तो मैं आपको बारी बारी करके तीनों के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे पंजाब नेशनल बैंक का है और ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। मतलब आप किसी भी बैंक से किसी भी थ्रू से आप पेमेंट कर सकते हो आराम से। तो मैं सबसे ईजीएस्ट वे आपको QR कोड से पेमेंट करना सिखाऊंगा, जो आप कोई सा भी आपका पेटीएम हो, फ़ोनपे, उससे कर सकते हो। तो मैंने अपनी स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमें कुछ नहीं करना, पहले आपको दिखा देता हूँ। मैंने SBI बैंक का लिया है, हमने किसी और का नहीं लिया है, आप किसी और का भी ले सकते हो आराम से। उसके बाद हमें फ़ोनपे को खोलना है। फ़ोनपे को खोलने के बाद पहले हम मतलब अपने फ़ोन से पासवर्ड लगा रखा हो तो पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर QR कोड का सिंबल आ रहा होगा। उस QR कोड के सिंबल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको गैलरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस गैलरी के ऑप्शन में जो हमने स्क्रीनशॉट ली थी उस पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र आ चुका है। यहाँ पे हमें अपने अमाउंट भरना है, तो हम अपना अमाउंट भर देते हैं 1000। तो हमने यहाँ पे अपना अमाउंट भर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम मैसेज भी डाल देते हैं, तो मैं यहाँ पे मैसेज वही डाल देता हूँ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। तो ये हमने मैसेज डाल दिया, हमें कुछ नहीं करना, पे सिक्योरली पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारी पेमेंट अपने आप हो जाएगी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये हमारी पेमेंट हो चुकी है एकदम सक्सेसफुली। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना वो क्या कहते हैं डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। उसके लिए मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, वो जब हम यहाँ पे पर्ची बनवाएंगे उसकी। आप देख सकते हैं हमारे पास मैसेज भी आ चुका है बैंक की तरफ से कि हमारे 1000 रुपीस कट चुके हैं हमारे बैंक से। डोनेशन की रिसीव अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डोनेशन की रिसीव जिस दिन आपने डोनेशन दी हो उसी दिन अप्लाई नहीं होती है, उसके अगले दिन अप्लाई होती है। पहले गूगल क्रोम पे उसी वेबसाइट को सर्च करना है जो वेबसाइट हमने डोनेशन के समय सर्च करी थी। उसके बाद हमें थ्री डॉट्स पे आना है। थ्री डॉट्स पे आने के बाद डोनेशन रिसीव पे क्लिक करना है। इस बार डोनेशन रिसीव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक पेज खुल जाएगा। उस पेज पे आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिख रही होंगी। पहले तो आपको अपना नाम भरना है। 80G के तहत इनकम टैक्स में आपको छूट चाहिए तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। हमें यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर भरना है। पैन कार्ड नंबर भरने के बाद यहाँ पे हमें पैन कार्ड की फ़ोटो जो है उसे अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद हमें डोनेशन डेट भरनी है जिस दिन हमने डोनेशन करी थी। डोनेशन करने के बाद यहाँ पे आपको एक डोनेशन मोड दिख रहा होगा। इस डोनेशन मोड में हमने तो QR कोड UPI से करी थी, तो हम UPI QR कोड भरेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको दिख रहा होगा डोनेशन अमाउंट। डोनेशन अमाउंट में हमने जितनी डोनेशन हमने करी थी वो डोनेशन अमाउंट हमें लिखनी है यहाँ पर। जैसे हमने 1000 करी थी, हमने 1000 यहाँ पे लिख लिया है। 1000 भरने का यहाँ पे डोनर बैंक नेम, आपने जिस बैंक से आपने अपनी पेमेंट करी है उस बैंक का यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है उस बैंक का नाम। तो जैसे मैं आपको सारे बैंक दिखा देता हूँ, यहाँ पे सभी बैंक है। अगर आपको यहाँ पे अपना बैंक नहीं दिख रहा हो तो अदर पे आप नाम भी लिख सकते हो उस बैंक का। उसके बाद हमें यहाँ पे UPI रेफरेंस नंबर भरना है। यहाँ पे हिस्ट्री में आपको व्यू डिटेल पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको UPI रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। आपको दिख रहा होगा ट्रस्ट बैंक, तो ट्रस्ट बैंक पे हमने SBI का बारकोड स्कैन किया था, तो हम यहाँ पे SBI पे क्लिक करेंगे। SBI पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा डिपॉजिट अकाउंट नंबर, जिस बारकोड का आपने स्कैन किया था वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, IFSC कोड वगैरह। वो IFSC कोड वगैरह में आपका अकाउंट नंबर भी दिख रहा होगा। वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है किसी वेबसाइट में, मतलब कोई अगर सर्च करेगा तो उस पर 809 भी आ सकता है, 808 भी आ सकता है, तो हम 808 भी करेंगे क्योंकि हमारे में 808 आया था। तो उसके बाद हमने ये भर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना एड्रेस भरना है।
अब वो एड्रेस मतलब आपको अपने घर का एड्रेस भरना है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट भरना है। जैसे मैं अगर दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली भरूंगा यहाँ पे, आप जिस स्टेट में रहते हो वहाँ पे आप भर सकते हो उसे। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भरना है, मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी है। उसके बाद यहाँ पे इसका कैचअप फिल करना है, आई एम नॉट अ रोबोट। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना और आपको सीधा लिखा आ जाएगा, थैंक यू फॉर द डिटेल, वी विल वेरीफाई एंड सेंड द रिसीव इन 7 days अपॉन सक्सेसफुली वेरीफिकेशन, जय श्री राम। तो आपको 7 दिन के अंदर आपको अपनी सारी जो आपको रिसीव है वो मिल जाएगी।